अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है और कई बैन लगा दिए हैं। आरबीआई ने इसकी जानकारी भी दी है और बताया है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसी वजह से पेटीएम की कई सर्विसों पर बैन लगा दिया गया है। अब डिपॉजिट लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि पेटीएम पेमेंट के किसी भी कस्टमर के अकाउंट में अब कोई डिपॉजिट या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर पेटीएम बैंक से कोई ईएमआई या स्टेटमेंट पेंडिंग है तो बेहतर होगा कि आप उसे जल्द क्लियर कर ले। पेटीएम बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कोई टॉपअप कर पाएंगे, गिफ्ट कार्ड भी सेंड नहीं कर पाएंगे, ना ही पेटीएम वॉलेट रिचार्ज कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपका अकाउंट दूसरे बैंक में होना चाहिए, ना कि पेटीएम बैंक में। और नए ये जो बैन है ये 29 फरवरी से लागू होंगे, इसलिए अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि उसके बाद 29 फरवरी के बाद क्या होगा, पेटीएम कस्टमर के अकाउंट, वॉलेट, प्रीपेड फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में ना तो कोई डिपॉजिट होगा और ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो पाएगा। हालांकि कस्टमर अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस के खत्म होने पर तमाम सुविधाओं को यूज कर पाएंगे। अब आपको बता दें कि आरबीआई के इस गाइडलाइंस के बाद कई यूजर्स को चिंता सता रही है कि उनके पेटीएम अकाउंट का क्या होगा। इसे थोड़ी सरल भाषा में समझना होगा, अगर आपका अकाउंट पेटीएम बैंक में है तो निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ी चिंता की बात है। हालांकि आरबीआई ने आदेश दिया है कि ग्राहक अपने पैसे बिना किसी रोक टोक के पेटीएम बैंक से निकाल सकते हैं, और आप अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो आप उसे निकाल लें जितनी जल्दी हो सके। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम यूजर्स को यूपीआई और भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जैसी सर्विसेज को छोड़कर दूसरी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। रिजर्व बैंक ने पीपीबीएल को 15 मार्च 2024 तक का वक्त दिया है। इस दौरान सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट को सेटल करना होगा। दरअसल मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने से मना किया था, लेकिन जांच में पाया गया कि पेटीएम में इसका कोई पालन नहीं किया गया है, जिसके बाद बैंक ने कई सारे बैन पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाए हैं। ऐसे में अगर आपका भी खाता पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तत्काल से तत्काल अपना सारा पैसा निकालें और उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर करें। 29 फरवरी तक फिलहाल कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।